नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेल न्यूज़ पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हमने एक नया सेगमेंट हमारे चैनल पर स्टार्ट किया है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम बैंकों की कई सारी स्कीम्स होती है उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे, या कोई भी सेविंग स्कीम्स है उनके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे, इंश्योरेंस के बारे में आपको बताएंगे। और साथ ही दोस्तों, आज हम जो पहला वीडियो इस सेगमेंट का लेकर आए हैं वो है रेलवे सैलरी पैकेज। रेलवे सैलरी पैकेज मतलब दोस्तों RSP जो एक रेलवे कर्मचारी SBI बैंक के साथ में खुलवा सकता है, यानी अपना एक सैलरी अकाउंट ही है ये, लेकिन इसके कुछ स्पेशल बेनिफिट्स हैं। SBI कुछ स्पेशल फ़ायदे देती है, उन स्पेशल बेनिफिट्स के बारे में और ये अकाउंट को कैसे आप खोल सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। और दोस्तों, आज एक टारगेट मैं फिक्स करता हूँ, कम से कम 100 लाइक्स इस वीडियो पर आपकी तरफ से होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको मैं लेकर चलता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। हम SBI के जो सैलरी अकाउंट्स होते हैं, SBI की तरफ से जो जो सैलरी अकाउंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसकी आपको बता दूं दोस्तों, टोटल 8 कैटेगरीज के अकाउंट हैं। किस किस के लिए कौन कौन सा अकाउंट है वो सारी चर्चाएं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पहला है दोस्तों कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन अकाउंट। ये जो कॉरपोरेट सेक्टर में ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, होटल्स, उनमें जो लोग काम करते हैं उन कर्मचारियों के लिए कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन का जो अकाउंट है वो देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई का देता है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई पैकेज देता है, जिसको SGSP बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगला है रेलवे, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का जो है रेलवे सैलरी पैकेज RSP, ये दोस्तों कौन कौन ओपन कर सकता है, ये इंडियन रेलवे के कर्मचारी, कोलकाता मेट्रो के एम्प्लॉई और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, मुंबई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो एंड बेंगलोर मेट्रो, ये लोग इस अकाउंट को खुला सकते हैं इसके अंदर जो काम करते हैं। हम दोस्तों बात करते हैं, इसमें भी 4 कैटेगरी है दोस्तों। वो 4 कैटेगरी, पहला है सिल्वर कैटेगरी का। तो दोस्तों, जो सिल्वर कैटेगरी का अकाउंट है जिनका पेमेंट 10,000 से 25,000 के बीच में है, उन लोगों को सिल्वर कैटेगरी का अकाउंट दिया जाता है। और जिनका 25 से 50 के बीच में है वो लोग गोल्ड कैटेगरी का अकाउंट खुलवा सकते हैं। जिनका सैलरी 50,000 से 1,00,000 के बीच में है वो डायमंड कैटेगरी का ले सकते हैं। और जो मैक्सिमम कैटेगरी है दोस्तों वो प्लेटिनम कैटेगरी है। इसके लिए एलिजिबिलिटी कम से कम 1,00,000 अबव उसके एम्प्लॉय का सैलरी होना चाहिए, तभी प्लेटिनम कैटेगरी का बेनिफिट उसको मिलता है। दोस्तों 1,00,000 से ऊपर जिस एम्प्लॉय का सैलरी है वो ये अकाउंट ले सकता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि इसको क्या बेनिफिट है एम्प्लॉई के लिए। तो सबसे बड़ा मेन बेनिफिट, क्योंकि जैसे जैसे देश, कोई भी देश तरक्की करता है तो बैंकों के सर्विस चार्ज बढ़ते हैं, और अभी बैंक धीरे धीरे अपने सर्विस चार्ज इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो अकाउंट है फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की भी इसमें आवश्यकता नहीं है। सेकेंड चीज़, इसके जो ATM है उसे अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स इसके ATM से फ्री है, और साथ में SBI का क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है ये अकाउंट ओपन करने पर। सेकेंड चीज़ दोस्तों, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का कवर है 20,00,000 रुपये तक का, और एयर एक्सीडेंट का कवर ये अकाउंट होल्डर को 30,00,000 रुपये तक का मिलता है। साथ में दोस्तों पर्सनल लोन्स, होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशन लोन्स पर कुछ अट्रैक्टिव रेट दी जाती है, यानी कुछ रेट पर कुछ छूट मिलती है। और जो प्रोसेसिंग फीस है वहाँ पर भी ये अकाउंट होल्डर जो इस अकाउंट को जिसके पास में है RSP, उसको 50% प्रोसेसिंग फीस में छूट मिल जाती है। अगर कोई भी एम्प्लॉई ये अकाउंट लेने के बाद में लॉकर यूज़ करता है बैंक में, तो उसको 25% लॉकर चार्ज में छूट दी जाती है। एंड साथ में सबसे बड़ा जो बेनिफिट है दोस्तों ये है, ई मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट, मतलब आप ऑनलाइन ही इस अकाउंट के साथ में दूसरे अकाउंट्स, डिपॉजिट अकाउंट जैसे FD है, RD है, ऐसे जो अकाउंट है FD RD के अकाउंट आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं आपकी सेविंग्स के लिए, इसमें से ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो सकता है। साथ दोस्तों ऑनलाइन डीमैट और ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट आप खोल सकते हैं।
इसके साथ में एक और चीज़ है दोस्तों, ड्राफ्ट मल्टी सिटी चेक्स एंड SMS अलर्ट फ्री ऑनलाइन NEFT RTGS, ये फ्री में इसके द्वारा दी जाती है आपको। फ्री में ये अकाउंट ओपन करने में ड्राफ्ट मल्टी सिटी चेक्स SMS अलर्ट फ्री मिलेंगे, साथ में फ्री ऑनलाइन NEFT और RTGS। सेकेंड चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, एक्चुअली मैक्सिमम एम्प्लॉय को मेरे हिसाब से इसकी आवश्यकता होती है ओवरड्राफ्ट। अगर आपको दोस्तों पता नहीं है ओवरड्राफ्ट, तो इसके ऊपर डिटेल से मैं एक वीडियो, अगर आप चाहिए आपको तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों ओवरड्राफ्ट का मतलब यह है कि आपको अमाउंट सैलरी आने से पहले, अर्ली सैलरी मैं इसको बोल सकता हूँ, 2 महीने के अमाउंट का जितना आपका जो सैलरी आता है उससे 2 गुना ये आपको देता है अगर किसी को ज़रूरत है। साथ में दोस्तों रिवार्ड पॉइंट, डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो SBI रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे और कुछ स्पेशल ऑफर्स भी डेबिट कार्ड्स पर SBI योनो के द्वारा दिए जाते हैं। अगर दोस्तों आपको ऑनलाइन ये अकाउंट आपको खुलवाना है तो आप यहाँ पर वेबसाइट पर जाएंगे तो रिक्वेस्ट कॉल बैक का आप जा करके वहाँ से आपको बैंक की तरफ से कॉल आएगा और आपको ये सर्विस होम बेस्ड दी जाएगी, घर पर आपको ये सर्विस दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपना नाम भर देना है, साथ में दोस्तों नाम के बाद में ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कंपनी, सिटी, स्टेट, सैलरी पैकेज, अब आप कौन सा सैलरी पैकेज, जैसे RSP लेना चाहते हैं तो RSP सेलेक्ट कर देंगे, एलिजिबिलिटी आपकी किसकी, आपका सैलरी क्या है, अगर सपोज आप डायमंड कैटेगरी के लिए एलिजिबल डायमंड सेलेक्ट कर देंगे, आप एम्प्लॉई है या एम्प्लॉयर है, तो आप एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई सेलेक्ट कर देंगे। अब आपका डायमंड 50,000 से ऊपर मिलता है, मान लो आपका 70,000 पेमेंट है तो आप 70,000 इसमें लिख देंगे और यहाँ से ये सेलेक्ट कर देंगे, आपको मेल और कॉल आएगा, यहाँ से आप ये जो देख रहे हैं कैप्चा कोड फिल कर देंगे, वेरिफिकेशन पर सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों आपको बैंक की तरफ से एक वेरिफिकेशन कॉल की जाएगी, जिसके बाद में आप बैंक में जा कर के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेकंड चीज़ दोस्तों, जिन भाइयों का अकाउंट ऑलरेडी SBI के साथ में है, सैलरी भी SBI अकाउंट में ही आती है, लेकिन उन्होंने SBI को इन्फॉर्म नहीं किया है कि हम ये रेलवे एम्प्लॉई है या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो ऐसे भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप बैंक में जाइए, एक सिंपल एप्लीकेशन आपको देने की आवश्यकता है जहां पर आपको अपना डिटेल्स सबमिट करना है कि मैं इस जगह पर या इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम कर रहा हूं। जैसे ही दोस्तों आप अपना डिटेल्स एप्लीकेशन भर करके बैंक में जमा करते हैं तो विद इन 1 or 2 days आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली इसमें जो सैलरी पैकेज है उसमें RSP या दूसरा कोई है, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट का, कॉरपोरेट है तो कॉरपोरेट का, जिस कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें आपका अकाउंट चेंज कर दिया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर स्पेशल बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर आप रेलवे एम्प्लॉई है तो रेलवे एम्प्लॉई को क्या करना है करवाने के लिए, तो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने एम्प्लॉयर से, जहाँ पर आप काम करते हैं, अपने सुपरवाइज़र है या ऑफिसर है, उनके द्वारा अपना डिटेल्स लिख करके एक सिंपल एप्लीकेशन लिखिए जिसमें अपना डिटेल्स लिखिए, और डिटेल्स को उनसे वेरीफाई करवा करके लेके जाइए, सील लगवा करके सिग्नेचर करवा के बैंक में दे दीजिए कि ये यहाँ पर काम करते हैं और इनका सैलरी इतना है, इस चीज़ को आपका ऑफिसर या आपका सुपरवाइज़र वेरीफाई करके दे देगा। उसके बेस पर आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली 2 से 3 दिन में RSP में बदल दिया जाएगा। तो दोस्तों RSP में बदलने के बाद में आपको एक ATM कार्ड दिया जाएगा, तो ATM कार्ड पर रेलवे का अगर आप RSP में डाले हैं तो रेलवे का लोगो रहेगा, और ये जो ATM कार्ड रहेगा दोस्तों इस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे बैंक की तरफ से चार्ज नहीं किया जाएगा। ये इस अकाउंट की स्पेशल विशेष बातें हैं जो हमको आपने बताई। इसके बाद में दोस्तों आपसे मैं 2 बातें और करना चाहूँगा। पहला प्रश्न तो ये है दोस्तों कि मुझे क्या रेल न्यूज़ जो मेरा चैनल है उसका नाम बदलना चाहिए, तो आपके हिसाब से इस चैनल का नाम क्या होना चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से नाम सजेस्ट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आज विदा लेता हूँ आपसे, मिलता हूँ अगले वीडियो में।